30 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार की ओर से। बजट वर्ष 2024-25 में दिव्यांगजन के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 की घोषणा की गई है। योजना में प्रदेश में 2000 विशेष योग्यजनों को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के तहत पात्र विशेष योग्यजन 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन अपनी SSO ID पर उपलब्ध SHMS DSAP के माध्यम से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम जनजाति उन्नत ग्राम अभियान और पीएम जनमन योजना के तहत स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शाहबाद में लाभार्थियों से 2 अक्टूबर को वर्चुअल संवाद करेंगे। कार्यक्रम में सांसद विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित प्रभारी सचिव संभागीय आयुक्त अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहेंगे। CCTV होने पर ही बनेगा स्कूल एग्जाम सेंटर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में वे ही स्कूल परीक्षा केंद्र होंगे जहां CCTV हो। बोर्ड ने इसके लिए CCTV पॉलिसी जारी की है जो साल 2025 की बोर्ड परीक्षाओं से ही लागू होगी। बोर्ड साल 2025 में भारत के साथ ही 26 देशों में कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करेगा। इसमें करीब 44 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षाओं के लिए करीब 8000 स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दी मंजूरी। उप मुख्यमंत्री व PWD मंत्री दिया कुमारी ने झुंझुनू विधानसभा में 13.96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 16 सड़कों के लिए स्वीकृति जारी कर दी है। डिप्टी CM ने बताया कि बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में झुंझुनू में 31.70 किलोमीटर की 16 सड़कें बनाई जाएंगी। इसके लिए अधिकारियों को तत्काल कार्य शुरू करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ सड़कों का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने को कहा गया है। किसान के 40,000 रुपए ले भागा बाइक सवार बदमाश। दौसा जिले के महुआ पुलिस थाने में फसल बेचकर जा रहे किसान को चकमा देकर एक बाइक सवार 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। किसान ने थाने में मामला दर्ज कराया। घटना 26 सितंबर की है। दरअसल फूल सिंह सैनी निवासी अलापुर ने मामला दर्ज कर बताया, मैं गुरुवार को बाजरा व सरसों बेचने अनाज मंडी महुआ में देवकी जैन की दुकान पर गया था, जहां अनाज बिकने के बाद हिसाब कर जैन के मुनीम ने 40,860 रुपए दिए। 250 पुलिस कर्मियों ने निकाला फ्लैग मार्च। झालावाड़ जिले में आगामी त्योहारों पर्वों को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शुक्रवार रात SP के निर्देशन और एडिशनल SP चिरंजीलाल मीणा के सुपरविजन में फ्लैग मार्च निकाला गया। साथ ही पुलिस सोशल मीडिया पर निगरानी कर रही है। राजनगर में युवकों की पिटाई के मामले में 3 गिरफ्तार। राजसमंद में राजनगर थाना सर्कल में 2 युवकों के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार रात्रि को 2 युवकों के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर दी थी, जिसके बाद राजनगर क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इस घटना के बाद 5 थानों की पुलिस को क्षेत्र में तैनात किया गया व आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आश्वासन दिया। डोटासरा के टीम से इन नेताओं की होगी छुट्टी। राजस्थान कांग्रेस कार्यकारिणी में फेरबदल को लेकर चल रही कवायद पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश कार्यकारिणी में बदलाव अब विधानसभा उपचुनाव के बाद ही होगा। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 50 से ज्यादा निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाने को लेकर आलाकमान को सूची भेज दी है। इनमें सचिव के नाम ज्यादा है। एक अधिकारी का 1 माह में 3 बार किया ट्रांसफर। राजस्थान में अधिकारियों के तबदलों पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल उठाया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 360 डिग्री परीक्षण कर स्थानांतरण का दावा करने वाली भाजपा सरकार ने अधिकारियों को स्थानांतरण के नाम पर फुटबॉल बना रखा है। 1 महीने में 3 बार इधर से उधर कर दिया। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जिन्हें ज्वाइन करते ही अगले ट्रांसफर का आदेश मिल गया। क्या ऐसे आएगी गुड गवर्नेंस? गोविंद सिंह डोटासरा ने उन अधिकारियों की सूची भी पोस्ट की जिनकी पोस्टिंग 1 महीने में 3 बार बदली गई। CMO में अफसरों के विभागों में बदलाव। CMO में तैनात 9 अफसरों में नए सिरे से काम बांटा गया है। इनमें IAS, IFS और RAS अफसर शामिल हैं। जिन अफसरों को कामकाज नए सिरे से बांटा है उनमें CMO के विशिष्ट सचिव, संभुक्त सचिव और OSD शामिल हैं। CMO के स्पेशल सेक्रेटरी संदेश नायक PHID, माइंस, DIPR और चीफ मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिम्मा संभालेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में मिलेगा ब्याज मुक्त आरण। राज्य सरकार द्वारा गोपालक परिवारों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर शुरू की गई गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की क्रियान्विति के लिए कैंप लगेंगे। योजना में पात्र गोपालकों को 1 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आरण मिलेगा। 25 सितंबर से 9 अक्टूबर तक की अवधि के दौरान ब्लॉक स्तर पर
डेयरी समितियों और केंद्रीय सहकारी बैंक के संयुक्त कैंपों में गोपालकों से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। प्रदेश में हो रही जगहों के नाम बदलने की शुरुआत। प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत रेलवे स्टेशनों के नाम से होने वाली है। दरअसल हाल ही में जयपुर आए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के 2 स्टेशनों का नाम बदलने के लिए कहा है। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वैष्णव ने उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम के साथ हुई बैठक में वैष्णव ने कहा कि दोनों स्टेशनों को लेकर लोगों में बड़ा असमंजस है। जयपुर के गांधीनगर को लोग अहमदाबाद का गांधीनगर समझ लेते हैं, खातीपुरा को लोग जानते ही नहीं है, जबकि खातीपुरा अगले साल तक जयपुर का पहला टर्मिनल स्टेशन बन जाएगा। ऐसे में दोनों के आगे या तो जयपुर लगाया जाएगा या नाम नया रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट ने कहा अनिरुद्ध को करनी होगी पिता। विश्वेंद्र की देखभाल भरतपुर न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दायर अपील पर शुक्रवार फैसला सुनाया। फैसले में पत्नी पूर्व सांसद दिव्या सिंह पर कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई है। बेटे अनिरुद्ध सिंह का पिता विश्वेंद्र सिंह की देखरेख करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें भी राशि का कोई जिक्र नहीं किया गया है। पूर्व मंत्री के वकील ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट दायर की जाएगी। राजस्थान के 19 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में मानसून का आखिरी दौर जारी है। शुक्रवार को उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ समेत 7 से ज्यादा जिलों में 2 इंच तक बरसात हुई। दूसरी तरफ पश्चिमी जिलों जैसलमेर और फलोदी में गर्मी का सितम बरकरार है। यहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस बरकरार है। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य के 19 जिलों में आज बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि कल से प्रदेश में बारिश का दौर थमने और दक्षिण राजस्थान को छोड़कर शेष जगहों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। आज की बात करें तो आज बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली जिलों के लिए आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिले के 690 नागरिक करेंगे तीर्थ यात्रा। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2024 के तहत इस वर्ष जिले से 690 नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को कलेक्टर सौम्या झा ने लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से हवाई यात्रा के लिए 115 एवं रेल यात्रा के लिए 575 नागरिकों का चयन किया। योजना में चयनित यात्रियों की सूची देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। हार्डकोर बदमाशों को मोबाइल सिम पहुंचाने वाला मुख्य प्रहरी सस्पेंड। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हार्डकोर बदमाशों को मोबाइल सिम पहुंचाने के मामले में गिरफ्तार मुख्य जेल प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। वह करीब 1.5 साल से हाई सिक्योरिटी जेल में तैनात था। पुलिस आरोपी के कार्यकाल के दौरान जेल में मोबाइल और सिम मिलने के सभी मामलों की जांच में जुटी है। आरोपी ने किन किन बदमाशों को मोबाइल सिम मुहैया करवाई है, इसकी भी जांच होगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप